there was a game. It's called Panic. This year, the winner's gonna take home $50,000. दोस्तों, इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं एडवेंचर मूवीज के बारे में, जिसमें मूवीज के कैरेक्टर या तो किसी जर्नी पर निकले हुए हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, जिसकी वजह से हम भी उनकी लाइफ की जर्नी का एक हिस्सा बन जाते हैं और उन सभी इंसिडेंट्स को फील कर पाते हैं जो कि उनके साथ हो रहा है। इनमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज आपको हिंदी में ही देखने को मिल जाएगी, जिन्हें आपको एक बार तो जरूर देखना चाहिए। तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारी लिस्ट की पहली मूवी है गॉडजिला माइनस वन। ये 2023 में एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में दिखाया गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाने के बाद जापान के लोग अपने देश को दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर इनके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम आ जाती है जब इनके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इनके पूरे देश में बर्बादी करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद वो लोग इस मॉन्स्टर से छुटकारा पाने के लिए क्या कुछ करते हैं और क्या वो लोग इस मॉन्स्टर को खत्म कर पाते हैं या फिर नहीं, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 7.8 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है अल्फा। ये 2018 में आई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में हमें 20,000 साल पहले के यूरोप को दिखाया गया है, जिसमें हमें केडा नाम के एक लड़के की कहानी देखने को मिलती है जो कि एक ट्राइबल ग्रुप का मेंबर होता है। एक दिन एक शिकार के दौरान वो अपने ग्रुप के साथ बाहर गया होता है, लेकिन फिर वहां पर एक एक्सीडेंट होने की वजह से वो एक खाई में गिर जाता है, जिसके बाद ग्रुप के सभी लोगों को लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। अब इसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कुछ करता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.6 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है AXL। ये 2018 में आई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में माइल्स नाम के एक लड़के की कहानी दिखाई गई है, जिसको एक दिन शहर के बाहरी हिस्से में एक रोबोटिक डॉग मिलता है, जिसे एक केज में डिसमेंटल करने के लिए रखा गया होता है। अब इसके पीछे का रीजन ये होता है कि वो रोबोटिक डॉग एक नॉर्मल रोबोट ना होकर मिलिट्री का एक वेपन होता है, जिसे पूरी दुनिया को बहुत ही ज्यादा खतरा होता है, लेकिन माइल्स उसको केज से निकाल लेता है और अपना पेट डॉग बना लेता है। लेकिन इसका पता जब मिलिट्री के लोगों को चलता है तो वो इन लोगों के पीछे आ जाते हैं। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। मूवी को IMDb पर 5.3 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है डे शिफ्ट। ये 2022 में एक एक्शन हॉरर एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में बड नाम के एक बंदे की कहानी दिखाई गई है जो कि एक वैम्पायर हंटर होता है और वो वैम्पायर्स का शिकार करता है ताकि वो उनके दांत निकाल सके, जो कि बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं। उसका ये काम काफी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर उसकी लाइफ में उस टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब वैम्पायर्स की जो लीडर होती है उसको बड के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो बड का शिकार करने के लिए आती है। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.1 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है अ बॉय कॉल्ड क्रिसमस। ये 2021 में एक फैमिली ड्रामा एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में हमें निकोलस नाम के एक बच्चे की कहानी को दिखाया गया है, जो कि नॉर्थ में एक एडवेंचर के लिए निकला होता है, जहां पर उसे तलाश होती है अपने फादर की, जो कि एल्प्स के गांव की तलाश में गए होते हैं। अब निकोलस नॉर्थ की तरफ इसलिए गया होता है क्योंकि उसे एल्प्स के गांव का नक्शा मिल गया होता है। अब निकोलस की जर्नी के दौरान उसको किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 6.7 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है द वाटरमैन। ये 2020 में एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो मूवी में 11 साल के एक छोटे बच्चे गनर की कहानी को दिखाया गया है, जिसको तलाश होती है एक मिथिकल इंसान की, जिसके पास एक सुपर पावर होती है कि किसी भी मरे इंसान को जिंदा करने की। अब आखिर गनर को उस मिथिकल आदमी की तलाश क्यों होती है और क्या वो उसे मिलता है या फिर नहीं, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 5.6 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये 2008 में आई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में ट्रेवर एंडरसन नाम के एक बंदी की कहानी दिखाई गई है, जो कि अपने नेफ्यू के साथ में आइसलैंड में जाता है ताकि वो अपने खोए हुए भाई को खोज सके, और फिर रिसर्च के दौरान उसे पता चलता है कि उसका भाई अर्थ के सेंटर में गया है। अब इसके बाद वो लोग भी अर्थ के सेंटर में जाने का फैसला करते हैं, जिसके बाद फिर इनकी कहानी में आगे क्या कुछ होता है, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को IMDb पर 5.8 की रेटिंग्स मिली हुई है और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी 7 बहुत ही शानदार एडवेंचर मूवीज जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।